बर्मा क्लास को सब्सक्राइब कीजिए और इस बगल वाला बेल आइकन को भी दबा दे, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो दोस्तों, आप लोग बर्मा क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में स्पीडी का पार्ट 13 देखेंगे। अगर इससे पहले आपने 12 पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आप लोग को प्लेलिस्ट मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलेगा सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। प्रसंख्या फर्स्ट हम लोग देखेंगे। प्रसंख्या फर्स्ट में है, एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 746 वाट होता है। प्रसंख्या टू देखेंगे। प्रसंख्या टू में है, तापेदिक रोग जो है किसके कारण होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैक्टीरिया से होता है तापेदिक रोग। प्रसंख्या थ्री देखेंगे। प्रसंख्या थ्री में है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? थ्री का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विनोबा भावे। नेक्स्ट देखेंगे प्रसंख्या फोर देखेंगे। प्रसंख्या फोर में है, स्वतंत्रता प्राप्त के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेबी कृपलानी। प्रसंख्या फाइव देखेंगे। प्रसंख्या फाइव में है, वायुमंडलीय दबाव किससे मापा जाता है? वायुमंडलीय दबाव किससे मापा जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा बैरोमीटर, ऑप्शन नंबर बी, बैरोमीटर से मापा जाता है। प्रसंख्या थ्री देखेंगे। प्रसंख्या थ्री में है, 1916 ईस्वी में अखिल भारतीय होम रूल लिंग की स्थापना किसने किया था? सिक्स का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनी बेसेंट ने किया था। प्रसंख्या सेवन देखेंगे। प्रसंख्या सेवन में है, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, चंदेल वंश ने करवाया था खजुराहो मंदिर का निर्माण। प्रसंख्या एट देखेंगे। प्रसंख्या एट में है, दच्ची ग्राम अभ्यारण जो है किस राज्य में स्थित है? एट का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर में स्थित है। प्रसंख्या नाइन देखेंगे। प्रसंख्या नाइन में है, भूकंप को तीव्रता किससे मापी जाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिस्मोग्राफ से मापा जाता है भूकंप की तीव्रता। प्रसंख्या 10 देखेंगे। प्रसंख्या 10 में है, चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो 10 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कुली कुतुब शाह ने करवाया था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। प्रसंख्या 11, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 11 का सही जवाब हो जाएगा सी, कुशीनगर में गौतम बुद्ध का मृत्यु हुआ था। प्रसंख्या 13 देखेंगे। प्रसंख्या 13 में है, प्रकाश संश्लेषण के समय हरे पौधे कौन सी गैस छोड़ती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, O2 छोड़ती है। नेक्स्ट प्रश्न है 13। नेक्स्ट प्रश्न 13 देखेंगे। कॉस्मोस जो है किस प्रकार का उपग्रह है? 13 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जासूसी उपग्रह जो है कॉस्मोस जो है। प्रसंख्या 14 देखेंगे। प्रसंख्या 14 में है, कावेरी जल विवाद के निपटने के लिए कावेरी जल अधिकरण का गठन कब किया गया था? 14 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1990 में किया गया था। प्रसंख्या नेक्स्ट 15 देखेंगे। तुर्की की राजधानी कहाँ पर स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका सही जवाब हो जाएगा अंकारा में स्थित है। प्रसंख्या 16 देखेंगे। प्रसंख्या 16 में है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना किस नदी के तट पर स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेन्यू में स्थित है। प्रसंख्या 17 देखेंगे। प्रसंख्या 17 में है, फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? 17 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग किया जाता है। प्रसंख्या 18 देखेंगे। प्रसंख्या 18 में है, भारत सरकार का सर्वाधिक व्यय किस पर होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेट्रोलियम पर होता है। नेक्स्ट प्रश्न 19 देखेंगे। प्रसंख्या 19 में है, लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? 19 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां ने करवाया था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा शहरी सभ्यता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा सभ्यता। प्रश्न संख्या 21 देखेंगे, प्रश्न संख्या 21 में है, न्याय की जंजीर किसे स्थापित किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जहांगीर ने किया था। प्रश्न संख्या 22 देखेंगे, प्रश्न संख्या 22 में है, चंबल एवं साबरमती नदी प्रणाली द्विविभाजित होती है, किससे विभाजित होती है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अरावली से विभाजित होती है। प्रश्न संख्या 23 देखेंगे, प्रश्न संख्या 23 में है, रुद्रसागर झील कहां पर स्थित है? आपको बताना है रुद्रसागर जो झील है कहां पर स्थित है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश में स्थित है। प्रश्न संख्या 24 देखेंगे, प्रश्न संख्या 24 में है, माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम कब विजय मिली थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1953 में मिला था। प्रश्न संख्या 25 देखेंगे, प्रश्न संख्या 25 में, आगरा के किले में दीवाने खास किसने बनवाया था? 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शाहजहां ने बनवाया था। प्रश्न संख्या 26 देखेंगे, प्रश्न संख्या 26 में है, ढाई दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था ढाई दिन का झोपड़ा। प्रश्न संख्या 27 देखेंगे, कांचीपुरम के मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों के द्वारा किया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा डी, पल्लव वंश। प्रश्न संख्या 28, गुरुमुखी लिपि के जन्मदाता कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा बी, गुरु अंगद। प्रश्न संख्या 29 देखेंगे, प्रश्न संख्या 29 में है, ताड़ी चालक की खोज किसने किया था? 29 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेंजामिन फ्रैंकलिन। प्रश्न संख्या 30 देखेंगे, जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? 30 का सही जवाब हो जाएगा शाहजहां ने करवाया था। प्रश्न संख्या 31 देखेंगे, प्रश्न संख्या 31 में, एक नॉटिकल मील बराबर कितना किलोमीटर होता है? 31 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1.852 किलोमीटर होता है। प्रश्न संख्या 32 देखेंगे, प्रश्न संख्या 32 में है, पौधे की वृद्धि को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? 32 का सही जवाब हो जाएगा सी, किसको ग्राफ से मापा जाता है। प्रश्न संख्या 33 देखेंगे, प्रश्न संख्या 33 में, किस सुल्तान ने सर्वप्रथम जड़त्व के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा डी, बलवन ने। प्रश्न संख्या 34 देखेंगे, प्रश्न संख्या 34 में है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो ये अभी तक पढ़ा नहीं गया है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न 35 है, यूरेनियम के खान कहां पर स्थित है? 35 का सही जवाब हो जाएगा सी, जादूगोड़ा में। प्रश्न संख्या 36 देखेंगे, साढ़ों की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, स्पेन। प्रश्न संख्या 37 देखेंगे, एक माइक्रोन बराबर होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा बी, 0.001 mm होता है। प्रश्न संख्या 38 देखेंगे, प्रश्न संख्या 38 में है, मुक्त 38 है, मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? इसका सही जवाब हो जाएगा 38 का सी, उत्तर दक्षिण। प्रश्न संख्या 39 देखेंगे, द्रव का अपेक्षित घनत्व किससे मापा जाता है? 39 का सही जवाब हो जाएगा बी, हाइड्रोमीटर से मापते हैं। प्रश्न संख्या 40, लैक्टोमीटर से किसकी शुद्धता मापी जाती है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही हो जाएगा, दूध की। प्रश्न संख्या 41 देखेंगे, प्रश्न संख्या 41 में, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? 41 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नरसिंह देव प्रथम। प्रश्न संख्या 42, विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 42 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 22 मार्च को।